और कोविड महामारी कर लीजिए कह लीजिए या जो आर्थिक तंगी है जिसका प्रभाव सबके जेब पर पड़ रहा है, उसका असर ये पड़ा कि 2020 में वो आंकड़ा गिर के मात्र 27 लाख रह गया, यानी ऑलमोस्ट 20% रह गया। तो उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए राज्य सरकार को कदम लेने पड़े। फिर आलू का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसानों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्मशैली रही, आलू के किसानों के साथ अन्याय हुआ। तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीर है कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? ये सवाल मैं योगी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और बाकी कई चीजें हैं जो गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं जिसकी घोषणाएं लगातार हो रही हैं, जो हमने सोचा है कि सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, हमने जो संकल्प लिए और किसान और नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता, मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में, प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अखिलेश जी आगे की कार्रवाई चलाएं। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं। जो बातें जयंत चौधरी जी ने कही हैं उससे आगे और उससे मैं सहमत हूं। आगरा और आसपास के लोगों से, आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि इस बार गठबंधन की मदद करें। समाजवादी पार्टी और आईएलडी का जो गठबंधन है, इसके सभी प्रत्याशियों को एक ही वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। हम आगरा के लोग और यहां पत्रकार साथी जितने बैठे हैं, कई समय पर हम लोग मिले हैं और आगरा न केवल यूपी के लिए बल्कि हमारे देश के लिए और इस शहर का दुनिया में परिचय है। यूपी को लोग जाने न जाने, लेकिन आगरा के ताजमहल और आगरा के कारोबार और आगरा के व्यापारियों ने दुनिया में कहीं न कहीं भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बनाई है, दुनिया में लोग जानते हैं। और आगरा शहर भी ऐसा है, मेलजोल का शहर है। यहां कारोबार करने वाले लोग मेलजोल रख करके ही कारोबार कर रहे हैं। आगरा में मुझे कई बार आने का मौका मिला है और ऐसा मेलजोल करते हैं कि दाल और मोठ मिला दी, मीठा पेठा, और रामलाल सुमन जी हैं, बेड़ी को तो नहीं भूलते होंगे, बेड़ी और जलेबी। ये कहीं इस तरह का मेलजोल है अगर कहीं, तो वो आगरा में दिखाई देता और यहां के लोग भी उसी तरीके से मिलकर के आपस में रहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, इस बार आगरा की जनता उन्हें रिजेक्ट करेगी। आगरा के लोग इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है।
ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें, क्या संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है, और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, सरसों के तेल की कीमत कहां है? और जो सुगंध बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। आप कहते हैं कि अमृत बजट है, क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है, इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है, जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपनी नहीं कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है, चाहे वो टीटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में, कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है, और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती है, जनता के लिए काम करती, तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है, कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे,
और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें, और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को घिरना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिले हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था, और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थी जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल की प्रदेश का था, हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया, कई लोगों की जान गई उस समय, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक मां अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी, और यहां के जिलाधिकारी, यहां सरकार के लोग कह रहे थे कैसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे हम लोगों ने मदद की है। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, जितने कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी ना कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। मुझे याद है कि जिस समय गंगा का पानी पीने के लेकर के यहां आना था, सरकार बनी बनी थी, जो जापान के एम्बेसडर थे मुझसे मिले थे आकर के, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम शुरू नहीं कर पाए हैं, हम चाहते हैं वो जायका का प्रोजेक्ट यहां चालू हो जाए, पैसा खर्च हो जाए। न जाने कितनी सरकारें थी जो लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वाली जो सरकार थी किसी कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अगर किसी ने उस समय जायका के प्रोजेक्ट को पानी पीने को आगरा पहुंचाने का काम किया तो वो समाजवादी सरकार थी। अभी मैं देखता आ रहा हूं कि पिलर बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, अब पिलर लग रहे हैं। मेट्रो अगर किसी ने दी है तो समाजवादियों ने दी है, समाजवादी सरकार ने मेट्रो दी है। और जितने काम उस समय दिए जा रहे थे, अभी भी सरकार आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाई। पता नहीं क्या दुश्मनी है विकास से इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विकास को गति नहीं दे रहे हैं। तकलीफ उस म्यूजियम से भी थी, जो म्यूजियम आधा अधूरा पड़ा है। मुझे याद है मैं म्यूजियम देखने गया,